हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आई होप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस, ये एक निशाम की इलेक्ट्रिक सेलिंग फैन वेंडिंग मशीन है जो कि मेरे एक भाई ने मंगवाया है, सीधा अहमदाबाद से मंगवाया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इसका हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और साथ में इस भाई से हमने बात किया है। तो पहले उस बात को सुन लेते हैं, उसके बाद से इस मशीन का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिब रिजी और आप देख रहे हैं आरएस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। ये भाई जो कि हमारे सामने जो कि बैठे हुए हैं, इन्होंने एक निशान कंपनी की सीलिंग फैन वेंडिंग मशीन मंगवाई है जो कि अहमदाबाद से सीधे इनके पास आया है। तो इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने पेमेंट किस तरह से किया था। गूगल पे से किया था। गूगल पे से? तो मशीन आने से पहले किया था कि मशीन आने के बाद? आने से पहले। पहले कर कितने दिन पहले किया था? 5-6 दिन, मतलब एक हफ्ता। एक हफ्ता पहले कर दिया था। तो इस कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं है? नहीं, फ्रॉड नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं। ठीक है भैया। तो दोस्तों, इस कंपनी में कोई फ्रॉड कोई चीज़ का वो नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। इसकी फैन आप जब इसको ऑर्डर करेंगे तो सीधा आपके पास मिल जाएगा। पेमेंट आप पहले करें या बाद में, लेकिन ये आपकी मशीन आप तक पहुंच जाती है। कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा देखिए पैकिंग है जो कि सीधा मेरा अहमदाबाद से आया है। इसमें एरो भी बना हुआ है कि किस तरह से आप किस तरफ से खोलें। चलिए इस मशीन को हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद देखते हैं इस मशीन को। तो पहले आपको इसको रेमन को काट देना है किसी कैची से, और देख लीजिए। और भी हम आपको करीब से दिखा दे रहे हैं इसको मशीन को कि कितने अच्छे तरीके से पैकिंग होके आती है और इसमें हम मशीन में क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी डाई मिलती है। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें गाइस। अगर आपको अगर विस्तृत प्रकार की वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो ये हमने ओपन कर लिया, देख सकते हैं दोस्तों ये कितने अच्छे तरीके से पैकिंग करके आता है ताकि इसकी बॉडी कहीं से स्क्रैच ना लगे और ना टूटे बॉडी। तो चलिए इस मशीन को हम पहले हम गत्ते से निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसके जानते हैं कि इसमें क्या क्या किस तरह से सेटिंग किया जाता है, रेंडम बत्ती किस तरह से लगाया जाता है, और पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए इस मशीन को हम पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हमने गत्ते से निकाल लिया है मशीन, और मशीन को आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से ये मशीन है। इसका जो मॉडल नंबर है NS649 इस मशीन का मॉडल नंबर है, और इसको हम अभी आगे आपका मीटर भी किस तरह से लगाते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको लॉकर है, लॉकर में आपका लेंदम पत्ती और पूरा डाई और जो जो सामान होता है पूरा इसके लॉकर में दिया रहता है। तो ये देख सकते हैं ये लेंदम पत्ती और ये डाई और पूरा जो सामान होता है दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो इसको हम कर लेते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों, इसका मीटर कुछ इस तरह से आपको चारों स्क्रू खोल लेने हैं, और चारों स्क्रू खोलने के बाद आपको मीटर को लगाना किस तरह से हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रू से अच्छी तरीके से आपको खोल लेना है, और खोलने के बाद आपको जस्ट अभी हम आपको सब खोल के दिखा दे रहे हैं। चारों स्क्रू को आपको खोल के निकाल लेना है पूरे को। अब हमें क्या करना है, मीटर को बाहर निकालना है कुछ इस प्रकार से जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ। दोस्तों, आप देख लीजिए, आपको इसी तरह से निकालना है, पूरा बाहर की तरफ नहीं करना है क्योंकि इसकी इसमें वायर ऐड होते हैं, और आपको आप कुछ इस तरह से आपको ये रख देना है मीटर को। और मीटर लगाने के बाद आपको जो आपने स्क्रू खोले हुए थे उसको आपको लगा देना है। तो इस स्क्रू को कसने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो इसके हैंडल होती है, अभी देख सकते हैं कि मैं स्क्रू लगा रहा हूँ, इसको अच्छे से हमें कस लेना है। दोस्तों, अगर आपको इसको ऑर्डर करना है तो आपको डिस्प्ले पे इसका नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी का नंबर है, सीधा आप कंपनी से बात कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप, ये हमने जो मीटर पे हमने स्क्रू कस लिया है, और उसके बाद हमें इसका हैंडल जो होता है जिसमें हमारा स्टेटर लगता है उसको हम किस तरह से
सेट करें वो भी बताने वाला हूँ। ये देख सकते दोस्तों, हमने स्क्रू खोल लिया और इसको खोलने के बाद हमने नेट को यहाँ पे और फिर ये हमने ये लगा दिया। अब दोस्तों ये हमारा ये देख सकते हैं आगे पीछे होने लगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आप दोस्तों आपको इसका जो लेंदम पत्ती है लेंदम पत्ती आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आगे पीछे हमारा हो रहा है। अब नेक्स्ट में हम आपको इसका लेंदम पत्ती ये देख सकते हैं मशीन के पीछे साइड में, ये हमारा आपको किस तरह से सीधी लेंदम पत्ती लगानी है। आपको ये दोनों नेट खोल लेना है और नेट खोलने के बाद ये जो हमारा लेंदम पत्ती है कुछ आपको इस प्रकार से लगाने, ये हमारा जो स्प्रिंग वाला साइड रहेगा वो ऊपर रहेगा और जो हमारा ये प्लास्टिक जिसमें हमारा वायर लगता है वो हमारा नीचे की साइड रहेगा। तो आपको इसको ध्यान से देखना है कि आपको किस प्रकार से लगाना है। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इसकी लेंदम पत्ती लगानी है। अब दोस्तों ये हमारा डाई का ये बॉक्स है जो कि हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं कि इस मशीन के साथ आपको कौन कौन सी डाई देखने को मिलती है और इसमें और कौन सा सामान आपको देखने को मिलता है। तो ये हमने बॉक्स को कर लिया ओपन और इसमें देख सकते हैं सबसे पहले तो हमारा ये गरारी के रखने के लिए हमारा ये प्लेट आता है और उसके बाद दोस्तों ये हमारी 12, 14, 16 की हमारी डाई और ये हमारी हाई स्पीड की डाई जो कि न्यू टेक्नोलॉजी के बनाया गया हुआ है। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि पैकिंग में पूरी ये डाई जो आती है मशीन के साथ रहती है और हाई स्पीड की डाई जो रहती है वो आपको अलग से परचेज़ करनी रहती है। उसकी भी एक वीडियो हम बना के आपको बताएंगे कितने में कितने क्या मिलती है। तो दोस्तों ये डाई देख सकते हैं 16, 14 और 12 की डाई, ये 16 की डाई है इनकी अंदर की डाई है स्टार्टिंग डाई और ये 16 की आउट यानी ऊपर की डाई है। ये दो देख सकते हैं 4 नंबर और 1 नंबर। उसके बाद ये 2 नंबर जो हमारी डाई है ये 14 की है और 5 नंबर जो है ये डाई हमारी आउट की 14 आउट की और 3 नंबर हमारी और ये जो हाई स्पीड डाई है ये दोनों हाई स्पीड डाई जो कि हमें अलग से देखने को मिलता है अलग से परचेस करना पड़ता है। बाकी 12, 14, 16 की डाई हमें मशीन के साथ मिलती है। तो चलिए अब मशीन को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों ये मशीन हमारी है, अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं और ये ऊपर वाले बटन से हमने ऑन कर लिया क्योंकि हमारा मीटर ऑन हो चुका है। इसमें अभी 154 टर्न सेट हुए हैं, अभी हम इसको ज़ीरो करके चला के दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये कितने अच्छी तरीके से चल रहा है और कंपनी वालों ने इसमें जो ऑटो ब्रेक है ब्रेक सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से कर दिया है कि अब मशीन रुकने के बाद आवाज़ भी नहीं करती। तो दोस्तों अब डाई आपको एक डाई सेट करके दिखाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, 2 सेकंड में आपकी डाई सेट हो जाएगी। ये हमें स्क्रू को ढीला कर लेना है और डाई को लेना है उसके अंदर के साइड डाल के आपको स्क्रू और थोड़ा ढीला कर लेना है और डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको ये बोल्ट को कस देना है। और ये मेरी एक डाई लग गई, अब दूसरी डाई हम आपको दिखाते हैं। दूसरी डाई भी आपको अभी हम सेट करके दिखाते हैं। दोस्तों इसकी डाई सेटिंग बहुत ही आसान है, अगर आप नए मिस्त्री हैं तो आपको आसानी रहेगी। और दोस्तों अगर इसका वायर सेटअप और अनबॉक्सिंग की और भी वीडियो आपको देखनी है और फुल डिटेल्स की वीडियो देखनी है और इसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं अगर उसकी वीडियो देखनी है तो आपको लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ये देख सकते दोस्तों मेरा डाई सेटिंग कितना ही आसान था। अभी हम आपको एक बार और चला के दिखा दे रहे हैं मशीन को कि किस तरह से चलता है। ये मशीन बहुत ही अच्छी मशीन है, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको ऑर्डर नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों इसका वायर सेटअप का वीडियो और अनबॉक्सिंग का एक और वीडियो भी पड़ा हुआ है और फुल डिटेल्स की वीडियो देखना है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इसकी आपको वायर सेटअप अनबॉक्सिंग फुल डिटेल्स फुल रिव्यू की वीडियो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों पे वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आपको अगर ऑर्डर करना है तो आपको डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।
जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।